आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ड्राइंग करना सीखेंगे, तो देखिए देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल लगाएंगे इस तरह से। देखिए सर्कल के सेंटर में हम एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से देखिए एक लाइन लगाई, इसको इधर मैच किया और ऐसे। अब हम यहाँ से देखिए यहाँ तक एक और लाइन लगाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से जैसे सर्कल बनाते हैं थोड़ा सा वैसे घुमाएंगे इसको, यहाँ से इस तरह से इसके साथ मैच कर देंगे ऐसे, इधर से भी इसके साथ। ये हमारी बोट की शेप बन गई। अब हम यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा अंदर बाहर करते हुए ऐसे एक शेप बनाएंगे पिरामिड जैसे इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन लेकर आएंगे, ऐसे ही एक और लाइन, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर से ये लाइन पतली आनी चाहिए और नीचे से ये थोड़ा मोटा आना चाहिए इस तरह से। सेम प्रोसेस में इधर भी बनाएंगे ऐसे ही, ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा मोटा इस तरह से। इधर भी हम थोड़े से इस तरह से प्लांट्स टाइप बना देंगे इस तरह से। देखिए देखिए सर्कल में कितना सुंदर बीच सीन बनेगा। अब यहाँ से इस तरह से देखिए, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर ऐसे, सेम प्रोसेस ऐसे इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ पे इस तरह से, इधर तो इसके साथ ही टच करेंगे और इधर थोड़ा सा खुला रखेंगे ऐसे ही, फिर इधर वाली साइड ऑपोजिट, इधर ऐसे और इधर से बंद और इधर से खुला, पूरे ट्री में ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से लाइंस लगा देंगे ऐसे ही, पूरे में लाइंस लगाएंगे दोनों ट्रीज में ऐसे ही करेंगे। देखिए हमने लाइनिंग कर ली है इस तरह से। अब हम यहाँ पे थोड़े से बर्ड्स बना देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे इस तरह से, इसको हल्का सा इस तरह से थोड़ा डार्क कर देंगे, इसको भी पूरा डार्क कर देंगे इस तरह से। पूरा डार्क कर देंगे यहाँ पे भी थोड़े से हम इस तरह से। अब हम यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़ी सी पेंसिल शेडिंग करेंगे।
से। इसको थोड़ा सा फिंगर से फिर या फिर ईयरबड की हेल्प से थोड़ा रब कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से ऐसे ही क्लीनिंग करेंगे हम। देखिए हमारी सीनरी जो है वो बन गई है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, बनाइएगा। थैंक यू।